says I have already told you what is a topology. Topology is a basically it is a physical structure of द लेआउट ऑफ अ नेटवर्क. मतलब ये हमें ये बताता है कि हम किसी भी नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं उनको किस स्ट्रक्चर से जोड़ सकते हैं. ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके से हम अपने जो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. अब जो हमारी बेसिक टोपोलॉजी होती हैं वो होती हैं हमारी 5 टोपोलॉजीज, दैट इज़ ए रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी. I am going to tell you about these basic topologies because इसके अलावा जो कम्बाइन होकर टोपोलॉजी बनती है वो इन्हीं पे बेसिस बनती है. रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जिसमें डेटा का कम्युनिकेशन इधर से इधर भी चलता है और इधर से इधर भी चलता है. मतलब अगर इसको इससे बात करें तो वो इसके थ्रू भी कर सकता है, इसके थ्रू भी कर सकता है. इसने इसको मैसेज भेजा, इसे पता चल गया इसके काम का नहीं है तो इसने इसको आगे भेजे कि इसके लिए था. ठीक, अब मान लो हमारा ना ये वाला वायर, ये वाला कनेक्शन फेल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इस टोपोलॉजी में जो नेट कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा. नहीं, अगर ये वाला वायर ब्रेक हुआ है तो ये इधर के थ्रू इससे कम्युनिकेट कर सकता है. मतलब इसमें किसी एक वायर के डैमेज होने का फ़र्क उस नेटवर्क पे नहीं पड़ता और नेटवर्क चालू रहता है और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रहता है. बस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर होता है जिससे सारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड होते हैं और स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या लगा होता है? टर्मिनेटर लगा होता है. ये जो टर्मिनेटर है ये क्या करता है? ये जो पूरा नेटवर्क है उसमें जो कम्युनिकेशन है उसको नियंत्रण में रखने का काम टर्मिनेटर का होता है. वर्क स्टेशन मतलब कंप्यूटर्स जिन पे हम लोग काम करेंगे, तो वो एक सिंगल. तो इसमें क्या होता है, अगर एक भी लाइन डैमेज होती है तो उसका असर पूरे कनेक्शन पे पड़ता है. मान लो यहाँ से कनेक्शन टूट गया तो आगे कनेक्शन जाएगा ही नहीं. ठीक है, तो कहीं से भी अगर ब्रेक होता है तो पूरा जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन है वो स्टॉप हो जाता है. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना होकर एक सेंट्रल हब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. मतलब अगर इस कंप्यूटर को या इस नोड को इससे कम्युनिकेट करना है तो एक मैसेज भेजेगा हब को. हब ये देखेगा ये मैसेज किसके लिए है, वही देखेगा कि इसके लिए मैसेज है तो यहाँ से वो मैसेज इसको ट्रांसफ़र कर देगा. दिस इज़ द वे कि हम स्टार टोपोलॉजी के थ्रू नेटवर्क्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी नोड्स हैं या जितने भी नेटवर्क्स हैं वो क्या होते हैं, हर कंप्यूटर अपने बाकी के कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है. एज़ इन द फिगर यू कैन सी, ये वाला जो कंप्यूटर है इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है. सिमिलरली विद दिस, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है. इसी तरह ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. इनको जो भी मैसेज भेजना होगा ये डायरेक्टली भेज देंगे किसी के थ्रू. जैसे इसमें हमने हब के थ्रू भेजा, या इसमें जो मैसेज है वो पूरी लाइन में ट्रेवल करेगा, जिसके काम का होगा वो उसको गेट कर लेगा. इसमें भी हमारा जो मैसेज था वो डायरेक्टली ना जाके पास थ्रू होके जा रहा था. इसमें जिसको अगर इसको इसे मैसेज भेजना है या इसे मैसेज भेजना है तो वो डायरेक्टली भेजेगा. और इसमें क्या होता है, अगर कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो भी वो सिर्फ उसी नोड से बात नहीं कर सकता, बाकी सारे नोड के बीच में बाकी सारे नोड्स के बीच में जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश रहता है. ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? ट्री टोपोलॉजी में एक पेरेंट होता है, उस पेरेंट का एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं. ये पेरेंट कहलाता है जो सबसे ऊपर होता है, ये जो है नीचे के ये इसके चाइल्ड हैं और इनके पेरेंट है. इन दोनों का पेरेंट ये, इन दोनों का पेरेंट ये. तो जो पेरेंट होता है उसके एक या उससे ज़्यादा चाइल्ड होते हैं, वो उनसे एक सिंगल वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है. फिर जो चाइल्ड होता है उसके फिर एक या उससे ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, वो उनसे उस सिंगल वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है दोनों तरफ. फिर ऐसे ही उस चाइल्ड के भी चाइल्ड हो सकते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मैसेज थ्रू होता है वो चाइल्ड को अगर चाइल्ड से करना है तो वो उसके पेरेंट के थ्रू करता है. मतलब अगर इसको इससे बात करनी है तो ये पहले अपने पेरेंट को मैसेज भेजेगा, पेरेंट देखेगा ये मैसेज इसके लिए है तो ये इसको भेजेगा. अगर इसको इससे बात करनी है तो ये पहले मैसेज अपने पेरेंट को भेजेगा, पेरेंट देखेगा कि मैसेज इसके लिए है तो ये इसका ये मैसेज अपने पेरेंट को भेजेगा.
ये जो पेरेंट है ये मैसेज इसको भेजेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है, स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होता है ताकि हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकें। दीज आर द बेसिक वेज ऑफ टोपोलॉजी जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है, इन सारे टोपोलॉजीज़ के अलावा दो टोपोलॉजीज़ और होती हैं, दैट इज स्टार रिंग टोपोलॉजी और स्टार बस टोपोलॉजी। स्टार रिंग टोपोलॉजी मतलब जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है, ये दो या दो से ज़्यादा स्टार टोपोलॉजीज़ को रिंग टोपोलॉजी की हेल्प से जोड़ना। मतलब ये स्टार तो है, अब एक स्टार यहाँ पे बना दो और उसको एक सर्कुलर मोशन में ज्वाइन कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, स्टार रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। इसी तरह स्टार बस टोपोलॉजी का मतलब है दो या दो से ज़्यादा बस टोपोलॉजी, दो या दो से ज़्यादा स्टार टोपोलॉजी वाले कनेक्शंस को एक वायर के थ्रू आपस में जोड़ना, मतलब एक सिंगल वायर के थ्रू जोड़ना, मतलब बस टोपोलॉजी की तरीके से जोड़ना, तो उसको हम स्टार बस टोपोलॉजी कहते हैं। जब हम उसको रिंग टोपोलॉजी की तरीके से जोड़ते हैं तो स्टार रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। ये मत सोचना कि अगर स्टार रिंग टोपोलॉजी है या स्टार बस टोपोलॉजी है तो हम स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर बदल देते हैं, नहीं, दो स्टार टोपोलॉजी को बस की तरीके से ज्वाइन कर देते हैं या फिर दो स्टार टोपोलॉजी को रिंग की तरीके से जोड़ सकते हैं, और ये दो से भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टोपोलॉजीज़। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।